पीपीएन किसे कहते हैं? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। व्हाट इज पेरेंटल? पेरेंटल का मतलब होता है इंजेक्शंस। ठीक है, इंजेक्शंस कितनी किस्म के होते हैं? तीन? सिर्फ तीन? ज्यादा होते हैं? कितने? देखिए, ये टीपीएन का मतलब होता है यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी टोटल जो खुराक है ना इंसान की, वो उन्होंने उसको ड्रिप के जरिए जो है ना वो देनी है। तो इस तरह से इसकी जो है ये ड्रिप होती है, और बंदे को जो है वो सब क्लेवियन वेन के जरिए इसको लगाया जाता है, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो इसमें ये है कि ये ऐसे लोगों को दी जाती है कि इसमें तमाम खुराक मौजूद होती है। इसमें डेक्सट्रोज होती है, कितने परसेंट? 20%। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, और इसके अलावा इसमें क्या होती है, इंसुलिन भी होती है कि अगर कोई शुगर का मरीज है तो उसको साथ ही इसमें इंसुलिन भी दे देते हैं। तो आगे उन्होंने बताया कि कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स सबसे पहला कंपोनेंट हमारे जिस्म को किस चीज की जरूरत है? वाटर। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन सोर्स है, और लैक ऑफ नाइट्रोजन, और इसके अलावा इसमें जो है उन्होंने कहा कि अमाइनो एसिड जो है वो लाजमी टीपीएन का पार्ट होता है, और एनर्जी सोर्सेस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि उन्होंने बताया कि 5 से लेके 70% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है यानी 5% अगर मैं कह रही हूँ वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है 5 ग्राम इन 100 ml। सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फैट्स भी हम इसमें देते हैं, और वो फैट जब पानी के अंदर जाता है तो वो एक इमल्शन की सूरत इख्तियार कर लेता है। ठीक है, सो ये हमें हाई कैलोरीज देते हैं इन लो वॉल्यूम। नेक्स्ट थिंग जो है इसमें वो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें सोडियम है, पोटाशियम है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है नमकियात। ओके, तो मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो मेटाबॉलिक को फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, और ये प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं इंजाइम्स की बॉडी में। इसमें जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है। आप देखते होंगे कि अक्सर मार्केट में जैसे सरबैक्स जी है, या कोई मल्टी वाइटामिन की गोलियां होती हैं जो अक्सर कमजोरी की सूरत में ली जाती हैं, तो उसमें मिनरल्स भी शामिल होते हैं, वाइटामिन बी और ये चीजों के अलावा लिखा होता है इसमें जिंक भी है, इसमें मैग्नीज भी है। जिंक जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, आयरन जो है वो हमारा खून बनाने के लिए जरूरी है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स हैं। उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है कि वाटर जो है वो 30 से 40 ml पर केजी पर डे अडल्ट की है, और इतनी ही सेम चिल्ड्रन की है। पर केजी पर डे यानी कि 1 kg के लिए 30 ml पानी। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं छोटे, 5 kg 10 kg उनका वजन होता है, तो अगर हमने उसका 10 kg वजन है तो उसे हमें कितना पानी देना है? 10 को आप 30 से ज़रब दे लो 300, या फिर 400। 300 मिनिमम दे सकते हो, 400 मैक्सिमम। तो इसी तरह बड़ों का है कि अगर किसी का 50 kg वेट है, या 60 kg है, या 70 है, तो उसी हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके तो इतने ही आपने वाटर देना है। एनर्जी जो है वो 30 से लेके 60 किलो कैलोरी पर केजी पर डे है, जबकि बच्चों में ये कम है, क्योंकि बच्चे बच्चे का जाहिर है बॉडी छोटी है उसको 20। और अमाइनो एसिड जो है वो बच्चों को ज्यादा देना है, 2.5 से 3.5, जबकि अडल्ट को देना है 1 से लेके 2 तक। नेक्स्ट है टीपीएन और एचपीएन, ये किस तरह के बैग्स होते हैं? ये इथाइल विनाइल एसिटेट बैग्स होते हैं। ये उसने कहा है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारा कुछ डला होता है, और एंड में आपने कहा उसके बाद में फैट डालना है, और इसके अलावा वाइटामिन्स को उसने कहा है उसी वक्त डालना होता है, क्योंकि अगर वाइटामिन को पहले डाल देते हैं ना तो उसमें कोई प्रेसिपिटेशन आ जाती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है यानी सोल्यूशन फट जाता है, सोल्यूशन दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और कोई भी अगर ऐसा इंजेक्शन है जो जिसमें हमें पार्टिकल नजर आ रहे हैं, बाजार से हमने खरीदा है, क्या उसमें पार्टिकल नजर आ रहे हैं, वो बंदे को लगा सकते हैं? हमेशा क्लियर होना चाहिए उसको, इंजेक्शन है या कोई ड्रिप है ना, उसमें कोई ऐसे पार्टिकल, कोई प्रेसिपिटेशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तो वो बंदे को लगाओ। अगर वो रखे रखे बाजू का कोई रिएक्शन हो जाता है तो वो चीज आप इंसान को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। लेबलिंग एंड पैकिंग की बात आ जाती है कि जी इसमें पेशेंट का नाम, कंपोनेंट्स ऑफ द बैग,
टोटल वॉल्यूम, ये सारा कुछ लिखा होता है। क्योंकि देखे हर बंदे का बॉडी वेट मुख्तलिफ है, हर बच्चा है बड़ा है, हर एक का अलग टीपीएन बनेगा। टीपीएन यानी कि ये नहीं है कि जो इसका है वो इसको भी लग जाएगा, जो इसका है वो इसको भी लग जाएगा, वो यूं नहीं लगेगा। वो वजन के लिहाज से, वो रिक्वायरमेंट के लिहाज से कैलकुलेशन होके एक वो बनता है कि भाई ये पेशेंट है, इसकी 60 ईयर्स एज है, इसका वेट जो है वो 65 kg है, ये उसका नाम है, तो उसको उसका ही लगेगा। ठीक है ना। आगे हो गया कि ये डार्क कलर प्लास्टिक बैग के अंदर इसको सील किया जाता है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है स्लोली थ्रू अ लार्ज वेन सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है ये इस तरह से बाद उन्होंने बताया कि भाई ये इसका दूसरे नाम और क्या क्या है। उन्होंने कहा इसे टीपीएन भी कहते हैं, इसे पीपीएन भी कहते हैं, इसे एचपीएन भी कहते हैं, 3 नाम है इसके। इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशन का मतलब है वो कौन सी अलामत है जब हम टीपीएन को इंसान को जो है ना वो देते हैं, उसमें जीआईटी डिजीजेज हैं, किसी को कोलाइटिस हो गया है। कोलाइटिस का मतलब क्या होता है कि भाई आपका अल्सर हो गया है कोई, ठीक है। इसके अलावा पेंक्रियाटिटिस है, और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ये होता है कि कोई भी चीज़ वो इंसान खाता है ना वो उसकी एब्जॉर्ब भी नहीं होती। यानी अब ये जो डायरिया की बीमारी होती है, मोशन लग जाना, उसमें क्या होता है जो बंदा जो खा रहा है वही निकल रहा है, तो वो उसके वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो दिस इज माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसके अलावा ट्रॉमा है, सीवियर बर्न्स हैं, बर्न का मतलब है जल जाती है बॉडी अक्सर, कोई तेजाब लग गया या कोई जल गया बंदा तो उसको भी दी जाती है, क्योंकि वो मुंह के जरिए खाना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए खाना। इसके अलावा फार्मासिस्ट का इसमें रोल यही है कि वो उसमें एसेप्टिकली टीपीएन को प्रिपेयर करेगा, उसे हैंडल करेगा, उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को देखेगा, उसकी स्टोरेज कंडीशंस को देखेगा।